योग्यता होने पर ही सब आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। और योग प्राणायाम वगैरह योग्यता दिलाने के लिए है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अमीर भी एक दृष्टिकोण से देखो तो गरीब है, गरीब भी एक अलग दृष्टिकोण से देखो तो अमीर है। जितने गरीबों के पास इतना हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होती है, करुणा होती है, दूसरों के साथ बांटने का मन होता है, वो अमीरों के पास नहीं होता। कई बार अमीर ज्यादा कंजूसी होते हैं, गरीब से ज्यादा कंजूसी दिखते हैं। या हमने बहुत बार अनुभव किया, गरीब से गरीब व्यक्ति में इतनी उदारता है जो अमीरों में नहीं है। तो जब योग प्राणायाम करेंगे तो सारी बुरी आदतें छूट जाएगी, नंबर वन। एक दूसरी बात क्या है, हिम्मत आएगी अपने भीतर से, स्वावलंबी बने हम, जोश आएगी अपने भीतर, सृजनात्मकता आएगी। भाई ये ज्ञान सबके लिए है, राजा रंग फकीर सबके लिए, समझ रहे ना, सिर्फ राजा के लिए नहीं, सिर्फ रंग के लिए नहीं। समाज में दो धारणा चलती है, शोषित और शोषक। कई बार लोग समझते हैं सारे जो धनी लोग है ये शोषक है और गरीब है ये शोषित वर्ग है। हमें ये दोनों मानसिकता से हटना चाहिए। गरीब समझते हैं हम गरीब हैं क्योंकि ये लोग अमीर हैं, इनके वजह से हम गरीब हैं, तो दूसरों को हमेशा वो शोषक समझते हैं। और अमीर लोग इतना गिल्ट महसूस करते हैं, ये शोषित समझते हैं, ये तो बिल्कुल दूसरे वर्ग के हैं, जैसे आदमी ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, आंखें भी नहीं मिलाएंगे। इससे हटना चाहिए, मानवता को जगाना पड़ेगा।